कब से रह रहे हैं यहाँ? 19 साल से। ये बताइए, चारों तरफ बाढ़ आई है, गंगा जी पानी सब जलमग्न है, आप यहाँ अकेले रह रहे हैं? वो कोई बात नहीं है, डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। और लेटते कहाँ पे हैं? लेटते पेड़ के ऊपर है, सारी गृहस्थी आपकी पेड़ पर है। तो ये बताइए, कोई और खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है, कोई आता है यहाँ पे? नहीं, आए थे दो दिन आगे, दो दिन लोग आए थे, कुछ दे के गए थे? वो आए थे, लाइट दे के गए थे। लाई चना? हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे बाबा जी, ऐसे आपका रहना होता है कहीं? कुछ आपका वो नहीं है आश्रम वगैरह? आश्रम आपका कहीं नहीं है? आश्रम आए तो यहाँ पे हम तो रहते हैं बहुत दिन, यहाँ पे कोई जगह नहीं दिए थे, इससे भी जो जगह दिए थे जगह बाढ़ आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, कोई जगह नहीं जाते। यहाँ पे कुछ जैसे कि जंगली जीव कुछ नहीं आते ऐसे तैरने वाले जहरीले? ना, जंगली जहरीले जो आते हैं तो कोई बात नहीं होते। क्या आता है? वो सांप वगैरह जो आते हैं, वो सांप आते हैं? पेड़ पर भी चढ़ते हैं? पेड़ पर चढ़े तो रहते हैं पेड़ पर? हाँ, आपने देखा है? हाँ, देखे थे, कल के देखे थे उधर से, वो फोन लगे उधर से तो वो ऊपर जाएंगे। कल भी आप पेड़ पे था? तो और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ना, ना, कोई कुछ चाहिए आपको? कोई असुविधा नहीं, कुछ नहीं, नहीं। यही अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अब कुछ कोई दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत होगी कुछ नहीं होगी? कोई होगी नहीं। ठीक। नहीं सर, ये दिक्कत है, ये तो गंगा जी घट गई है तो इसलिए हम लोग जो है घूम रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा लोग का तो नुकसान हो ही चुका है, अब करेंगे कि क्या है? जिससे हमारी खेती पूरी डूब चुकी है, जितनी भी हमारी खेतियां थी सभी खेतियां हमारी डूब चुकी है। ज्यादातर सब्जी होता था? ज्यादातर यहाँ सब्जी का खेती होता था, और अरे जैसे कि कोहरा था, नेनुआ था, बैगन था, और मिर्चा था, करेला था, लौवा था, कुछ फल वगैरह भी रहा होगा जैसे ककड़ी उकड़ी ये सब? हाँ, ये सब ककड़ी वगैरह ये सब भी था है। हाँ। ऐसे करके सभी सब्जियां, फलों सब्जियां हमारे यहाँ खेती होती थी है, सब नष्ट हो गई। हाँ, सब नष्ट हो गई। घर और में भी पानी घुस गया, कई घरे गिर गए, कई लोगों की जो बाढ़ के चपेट में आ गए उनका घर भी गिर गया है सर। दादा आप आओगे? हाँ। नाम बताइए? झगड़ू। ये बताइए, आपका भी घर डूबा है? हाँ, घर डूबा हुआ है वो साहब। अच्छा अच्छा, खेती भी खराब हो गई? खेती कोहरा ककड़ी, आप आगे आइए। हाँ। कोहरा ककड़ी सब नेनुआ सब डूब गए। ये बताइए, शासन प्रशासन यहाँ आए थे? हाँ, आवत हवाई के आए आए चले गए, और क्या किए? हाँ हाँ, कुछ कुछ भी नहीं किए, ना कुछ भी कुछ दिए। लाई चना दिया है? ये बताइए, आगे चल के जो नुकसान हुआ है तो घर और मान लो किसी का गिरेगा या कोई और दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं मिला। अब देखो, उनकर सब निगाह मड़ई उड़ाई कुल गिरे गई है वहाँ पर, उनको नक्शा ले सकता चल नहीं दे। छोड़ो तुम इधर। क्या नाम है? आपका भी घर डूब गया है? मेरा भी घर डूब गया है। आपका कौन सा घर? वाला घर सामने, ये घर आपका है? हाँ, ये वाला। हाँ। इसमें बहुत सारा नुकसान हो गया, सामान जो पड़ा था। और आगे आओ, माइक के पास आओ। उसमें जो सामान सारा पड़ा था उसमें सामान भी नुकसान हो गया है। जी जी। हाँ। नीचे नहीं उतर रहे हैं आप लोग? नीचे नहीं उतर रहे, उसी का खाना पीना सब उसी पर है। सब कुछ नुकसान हो गया है? नुकसान हो गया। खेती होती भी नुकसान हो गया? बहुत सारा हो गया है। और कहीं भी आना जाना सब रुक गया होगा? सब रुक गया, पूरा लोक हो गया। गाँव में नहीं जाए, कहीं गाँव में भी दुकान भी नहीं जाना पड़ रहा है किसी के, आना जाना कहीं। आप लोग कहीं बाहर नहीं गए? कहीं नहीं, घर बैठ जाएगा, इसी पे जा रहे हैं, इसी के ऊपर छत पे ही है। छत पे ही सब रास्ता जाम, कहीं कहीं नहीं जाना, इधर से बस इधर ही रहना है, खाना पीना सब। आप अपना परिचय बताइए। हाँ, हमारा नाम राजनाथ सरोज है, मैं ग्राम हरसिंहपुर जिला मिर्जापुर पोस्ट इल्टी का हूँ, निवासी हूँ। हाँ, मैं हाँ क्षेत्र पंचायत बीडीसी। इस बार आप जीते हैं? मैं इस बार चुनाव जीता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे रहने के लिए विवश है गंगा किनारे? बिल्कुल सर, मैं विवश हूँ। क्या आप लोगों को पट्टा नहीं मिलता? नहीं सर, नहीं मिला है मुझे, नहीं मिला है मेरे क्षेत्रवासियों को, नहीं मिला है कहीं सुरक्षित जगह पट्टा मिले। हाँ, कहीं सुरक्षित जगह हम लोग को पट्टा मिल जाए, हम लोग वहाँ पे अपना चल के मतलब कि रहने के लिए स्थान बना सके। तो जमीन नहीं, आप लोग मजबूरी में आई? मजबूरी पे जो हमारा है मैं उसी में व्यापार रहा हूँ, उसी में रह रहा हूँ। हर वक्त जब भी बार आती है सर, हम लोग उसी में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमें लोग को कहीं मिल जाए, कहीं अच्छी जगह, अच्छी जगह मिल जाए, घर मिल जाए। हाँ, घर मिल जाए। अब इस बाढ़ में लैट्रिन बाथरूम भी कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला है सर, कोई चीज भी नहीं मिला है। हाँ, कोई चीज नहीं मिला है सर, इसके लिए हम लोग हर वक्त जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं। हाँ,
ये समझ लीजिए। आपके समाज में किसी आदमी को यहाँ पे जमीन पट्टा घर कुछ नहीं मिला है? नहीं सर, नहीं, जो भूमधरी पुरजुगों की थी वही है, बाढ़ क्षेत्र में जो थी वही है, और उसी पे हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके पहले कोई हम लोग को नहीं दिया है। ठीक है।